नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे डेली मॉर्निंग में हम करंट अफेयर का सेशन लेते हैं, जिसके अंदर जो भी करंट का टॉपिक होता है हम उसे अच्छे से कवर करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करते हैं। अच्छी बात यह है, ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि किसी भी टाइप के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बूढ़े व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जो भी आपका आंसर है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है आज का, तो अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 1 अक्टूबर को ये दिवस को मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है थीम। एग्ज़ाम में थीम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल डे ओल्डर पर्सन है, उसका थीम क्या रहा इस बार का, या फिर पूछ लेते हैं किस दिन मनाया गया। किस दिन मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। और इस बार का जो थीम था 2020 का, वो क्या रहा? पेंडेमिक। डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग? ठीक है, ये अच्छे से याद कर ले। डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एड्रेसिंग। और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये बनाया 14 दिसंबर 1990 के बाद से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन बताया जाता है कि अगर हमारे जो ओल्डर जो लोग थे, पीपल थे, उन्होंने सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया है, ये बताया जाता है। उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है और साथ के साथ अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जब एक एज आ जाती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सोशल चैलेंजेस होते हैं, वर्ल्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा, खुद की बॉडी के रिगार्डिंग बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो इस दिन ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें अपने आसपास जो भी ओल्डर पर्सन है उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैथ से हम याद रखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम अच्छे से याद कर लेंगे हम। इमेज से ऐसे याद कर सकते हैं कि दो ओल्डर पर्सन कोई भी लगा लिया आपके, अगर आपके घर में नाना नानी दादा दादी कोई भी ओल्डर पर्सन है, वो अपनी एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ऑन December 30 एट दिल्ली। दिल्ली में किस मंत्री ने 30 दिसंबर को है ना भारतीय खेल प्राधिकरण साई का नया लोगो लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ए, किरण रिजिजू। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ने क्या लॉन्च किया है हाल ही में? जो हमारी स्पोर्ट है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके लिए न्यू लोगो को लॉन्च किया है। ये है, देखो हम इमेज से याद रखेंगे कि हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये न्यू लोगो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर तीन फ्लैग, मतलब जो हमारा इंडिया का फ्लैग है वो है। ठीक है, द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी फीचरिंग अ फ्लाइंग फिगर विच इंडिकेट द फ्रीडम एंड एथलीट ऑफ लीप फॉर हीज एंड हर करियर इन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द फिगर इंडियन ट्राई कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द चक्र। ठीक है, दो कलर लिए गए हैं, ये जो ब्लू है ये हमारे चक्र का है और ये हमारे फ्लैग का है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नेम द मिनिस्टर हु लॉन्च द अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबिनेशन मिशन। उस मंत्री का नाम बताए जिसने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबिनेशन मिशन को लॉन्च किया है, ASIIM को। तो इसका आंसर है श्री थरुवर चंद गहलोत ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबिनेशन मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ताकि जो उनकी हायर एजुकेशन का जो भी खर्चा होगा, जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ना चाहते हैं, उनको फंडिंग की जाएगी सरकार की तरफ से। ओके, ये मैथ से हम याद रखेंगे, ये कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, ये है थ्रुवर, ठीक है, गहलोत, थ्रुवर चंद गहलोत है ये। इन्होंने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच रेलवे हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली, ठीक है, टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन द ट्रेन थ्रू आउट द एंटायर जर्नी।
तो पूरी जो यात्रा होती है, सपोज करो कोई फीमेल है ना, वो एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक जा रही है, तो कौन सी रेलवे है कि हमारी साउथर्न है, नॉर्थ वाली है, नॉर्थ ईस्टर्न है या वेस्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। उन्होंने बोला है कि जब भी कोई फीमेल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो महिला यात्री की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट का प्रयोजन किया गया है, शुरुआत की गई है, जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। वो कौन सी रेलवे ने की है? तो इसका आंसर है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने, SER ने किया। 18 सितंबर 2020 एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, वो कौन कौन सी ट्रेन में था? एक हावड़ा, जो हावड़ा हावड़ा की साइड जाती है उस ट्रेन में था, हावड़ा स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड द हावड़ा मुंबई स्पेशल। इन तीन ट्रेन के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था 18 सितंबर को। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जो छोटे स्तर पे कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसे पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका खर्चा होगा वो कोई भी खर्चा बजट में नहीं निकाला जाएगा, जो निर्भय फंड था उसी से एडिशनल खर्चा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर है वो है संजय कुमार। ठीक है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल। इमेज से हम याद रखेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है माई सहेली कौन सी रेलवे के द्वारा? साउथ ईस्टर्न। ये सपोज करो कि ये आपको कोई भी है, ठीक है, मतलब कोई भी लड़की है, वो पुलिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही, मतलब पुलिस में, मतलब ट्रेन में बैठ गई है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है, ए टीम ऑफ वुमेन सब इंस्पेक्टर, कि वुमेन्स की एक सब इंस्पेक्टर की टीम आएगी जो ब्रीफ ले लेगी कि उस वुमेन का, कि वो कहाँ पे जा रही है, कौन से स्टेशन से चढ़ी है और कहाँ तक जाएगी, क्या सीट नंबर है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ डिटेल ले लेगी। और उसके बाद जहाँ पे भी वो लड़की है वो उतरेगी तो वहाँ पे कंफर्म किया जाएगा उसके स्टॉपेज पे कि वो उतरी है या नहीं उतरी अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च अ ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IBE नोट टू एनेबल टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट? किस बैंक ने कुल कागजी कामकाज के माहौल में को सक्षम करने के लिए IBE नोट नाम से एक हरी पहल शुरू की है? ठीक है, इसका आंसर है इंडियन बैंक ने। ठीक है, द IBE नोट फैसिलिटी किसने शुरू किया? इंडियन बैंक ने, जो कि टाइम बचाएगी, पेपर की सेविंग करेगी, प्रिंटर की सेविंग करेंगी और अदर खर्चे भी होते हैं उन सब को भी कम करेगी, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ओके, जो और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है उनको भी कम करेगी। माइक्रोसॉफ्ट इज लीडिंग द टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हैज बीन पॉइंटेड मैनी इंडस्ट्रीज फर्स्ट, और साथ में जो हमारा इंडियन बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है इंड गुरु भी, एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज के लिए। ये मैच से हम याद रखेंगे कि इंडियन बैंक है, उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन टेक इनिशिएटिव IBE नोट, ताकि पेपर्स की और अदर एक्सपेंडिचर की सेविंग हो सके। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोलकाता बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड? हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एक जो बंगाल की रियल एस्टेट की डेवलपर्स की है ना एक कंपनी है, उन्होंने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका आंसर है सौरभ गांगुली को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुना है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, अपॉइंटेड फॉर्मर नेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन थे जो सौरभ गांगुली थे, ये हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं और साथ ही साथ करंट में ये प्रेजिडेंट है किसके? BCCI के, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के। ठीक है, ये मैच से हम याद रखेंगे कि ये हम जो बंगाल पियरलेस है उनके ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है सौरभ गांगुली को। सेवन क्वेश्चन, टाटा स्टील एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैविंग साइंड एन MOU टू कोलेबरेट इन द एरिया ऑफ डैश, जो टाटा स्टील है ठीक है और साथ में CSIR दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडिंग, एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, वो जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वो कौन से एरिया से रिलेटेड है, मतलब किस काम के लिए हस्ताक्षर किया है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज से रिलेटेड है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, स्टील एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। टाटा स्टील और CSIR ने दोनों ने मिलकर एक ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज से रिलेटेड है। ये हमारे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में जो भी है सहयोग देगी, समझौते पे हस्ताक्षर किया है दोनों ने मिलकर। एट क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड अ 5-year मेमोरेंडम मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुजरात गवर्नमेंट? किस देश ने गुजरात सरकार के साथ 5 वर्ष का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है
गुजरात के साथ किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। और किस चीज के लिए किया है? गुजरात वाटर सप्लाई एंड सी जो सीवरेज होते हैं उसके लिए किया है। ठीक है, साइन किया है और किसके साथ किया है? डेनिश वाटर फॉर्म के साथ किया है, 5 साल का डेनमार्क ने और गुजरात ने। इसे हम याद रखेंगे, देखो कि जो गुजरात है, सॉरी ये हम डेनमार्क है, ये सप्लाई कर ले रहा है वाटर कहाँ से ले रहा है? डेनमार्क से। गुजरात सप्लाई वाटर कहाँ से ले रहा है? डेनमार्क से। नाइन्थ क्वेश्चन, विच बैंक इन द BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन से बैंक और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर येस बैंक ने किया है। येस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू एम्पावर द SME सेगमेंट थ्रू अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम। किस चीज़ के लिए है ये? अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम के लिए है। येस बैंक के जो CEO है वो कौन है? प्रशांत कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच कंट्री MST इंटरनेशनल स्टॉप इट्स ऑपरेशन। किस देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने प्रीचलन बंद कर दिए गए हैं? तो इसका आंसर है इंडिया के अंदर। जो एमनेस्टी इंडिया है उसके जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि 10 सितंबर को कुछ एलिगेशन थी वो लगा दी गई थी रिगार्डिंग फॉरेन फंडिंग लो के, मतलब फॉरेन फंड कुछ फंड आ रहा था इस एमनेस्टी इंटरनेशनल पे, जिसके रिगार्डिंग उस पर जो उसके ऑपरेशन थे उनको बंद कर दिया गया। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ बिन रिसीविंग फॉरेन फंड की, कुछ फॉरेन से फंड था वो रिसीव हो रहा था, विच गवर्नमेंट हैज़ बी प्रोहिबिटेड अंडर द, जो कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कौन से एक्ट के अंडर? FCRA। FCRA कौन सा हमारा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंडर बंद कर दिए गए इस ऑपरेशन को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन UK और एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है कुमी नायडू। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी ये वीडियो लगी है आपके सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कुछ गड़बड़ है, आप चाहते हो कोई सुधार हो तो हम आगे से वो सुधार ज़रूर की करेंगे, पर टेटलिस्ट आपका जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।